दूर तक पूरा गंगा जी सूख चुकी है। आगे पानी मिलता है या नहीं मिलता है, तक लग रहा है ऐसा रेगिस्तान में आ गया हम लोग। गाइस ये देखिए क्या इसको मिला है, हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ उस लोकेशन का नाम है दीदारगंज, क्योंकि दीदारगंज गंगा जी है जो कि आप देख सकते हो पूरी तरह से सूख चुकी है। ये गंगा नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, पिछले छठ पूजा में ही आए थे तो पूरा भरी हुई थी, तो अभी सूख चुकी है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं इस लोकेशन को देखना भाई, क्योंकि दूर दूर तक देखो बालू ही बालू है और पानी बस यहीं तक है, और भाई दूर दूर तक पूरा गंगा जी ही सूख चुकी है। तो फिलहाल अभी मैं अपने बाइक से आया था और अपने ये दो दोस्त के साथ, तो अभी पुल पे हूँ और आगे जाके आपको दिखाते हैं लोकेशन सूख चुकी है। तो फिलहाल अभी मैं अपने बाइक से आया था और अपने ये दो दोस्त के साथ, तो अभी पुल पे हूँ और आगे जाके आपको दिखाते हैं लोकेशन, अगर पानी मिलता है या नहीं मिलता है। तो फिलहाल अब चलते हैं आगे, और भाई अब देख लो दूर दूर तक लग रहा है ऐसा रेगिस्तान में आ गए हम लोग। सो गाइस ये देखो नीचे पूरा पानी ही नहीं है, सूखा हुआ है, और सामने नाले का पानी होगा शायद। भाई गजब का सीन लग रहा देखने में, लेकिन यार दूर दूर तक कुछ नहीं है, बालू ही बालू है। ये जो रास्ता भी सूखा हुआ है, लोग आने जाने का काम कर रहे हैं, और यही रास्ता बरसात के दिनों में डूब जाएगा तो लोगों को आने में बहुत ही दिक्कत होगी, तो इसी के लिए ये पुल बनाया जा रहा है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। सो गाइस हम अभी आ चुके हैं इस रेगिस्तान के बीच, सॉरी रेगिस्तान लेकिन रेगिस्तान टाइप का ही लग रहा है, जो कि आप इसे व्हाइट कलर का रेगिस्तान बोल सकते हैं, व्हाइट बालू वाला, उजला बालू वाला रेगिस्तान। भाई ये देखो हमारे फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, गजब लग रहा है। और ये मस्ती करते हुए बैक क्लिप मारो एक दो को, बैक क्लिप नहीं आता है, फ्रंट फ्लिप आता है, ये देखिए। लेकिन भाई सीन बहुत ही शानदार है, और लेकिन पानी एक बार में लोग सूख कैसे गया ये समझ में नहीं आ रहा है यार। ये वाले जो गंगा जी है, हम लोग पूजा में आते थे यहाँ पे, तो गाइस बहुत ही पानी था तो लेकिन सूख कैसे गया ये नहीं समझ में आता है। हम लोग कुछ दिन पहले ही आए थे, शायद कुछ था पूजा उजा, तो हम लोग आए थे नहाने के लिए ही, पूजा करने के लिए, लेकिन पता चला कि पूरा सूख चुकी है गंगा जी, तो हम लोग को दूसरा घाट जाना पड़ा, तो सोचा कि आप लोगों को ये सीन दिखा दिया जाए। तो गाइस ये देखिए क्या इसको मिला है, शायद स्नेल इस कहते हैं, लेकिन स्नेल से हम लोग को खेक भाषा में से घोंगा कहते हैं, तो इसके अंदर वो इंसेक्ट यानी कीड़ा अभी तो है नहीं। तो देखिए इसका ये सीकी बजा के आपको दिखाएगा, इधर हो जाओ थोड़ा लाइट आएगा, है नहीं बज रहा जी? अरे बजे बजे। वाह देखिए इस चीज का, यानी यहाँ पे जो बालू में जो मिल रहा है इसी का यूज करके सीटी बजा दिया है भाई। तो भाई यहाँ पे गजब फीलिंग आ रहा है, गुजरात के कच्छ टाइप का वाइट वाइट रेत है, और भाई सीन अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सीन लग रहा है देखने में। यहाँ पे फोटो शूट ये सब वीडियो शूट भी बहुत अच्छा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, और भाई लोकेशन बहुत ही प्यारा है, ये जो वाइट वाइट जो बालू है ना अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त भी। सो बहुत देर से ही सूखे पे घूम रहे हैं, तो पानी तो यहाँ पे सूख चुका है, लेकिन आगे आगे दिख रहा है पानी, वहाँ से गंगा जी स्टार्ट है, तो आगे आपको चल के दिखाते हैं सीन।
पानी। आप जो ये वाला ब्रिज देख रहे हो, ये जो है ना, ये गंगा नदी के उस तरफ यानी एक दियर है, राघोपुर दियर, तो उस साइड से ये ब्रिज जो है पटना की तरफ होते आ रही है, क्योंकि उधर के लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या इधर पटना साइड आके काम करने में। ये जो अभी जो आप सूखा सूखा देख रहे हैं, बरसात के मौसम आता है तो पूरा ही भर जाएगा, तो इसी कारण पुल को जल्दी जल्दी बनाने का काम किया जा रहा है। और जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका भी ब्लॉग आके बनाऊंगा मैं, और बस उस साइड के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब ये पुल बन जाएगी। अरे यार, तुम लोग मेरा वीडियो खराब कर दे रहा है यार, बीच में आकर रील बना रहे हो। गाइस, एक तरह से आप इसे मिनी गोवा कह सकते हो, हमारे पटना का एक मिनी गोवा हो जाता है ये, गंगा नदी का किनारा। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे सफ़ेद सफ़ेद रेत, और ये सुनहरी सी ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा, बिना किसी पॉल्यूशन के शहर से मुक्त। यहाँ पे आके आप एक घंटा बैठो, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा मेरी सलाह से मानो तो, और आपको शुद्ध वातावरण की हवा मिलेगी। क्योंकि सामने जो ये सामने क्या बोलते हैं जो दियर है यानी देहात साइड, देहात एरिया है, तो उधर से हवा आ रही है क्योंकि उधर कोई पोल्यूशन नहीं रहता है। और पीछे जो शहर है ना, बहुत गाड़ियाँ ये सब चलती है, तो इस कारण उधर का हवा में और इधर का हवा में बहुत ही फर्क है। सो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको लोकेशन बता देते हैं कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। आप बाईपास का जो टोल टैक्स है उससे बस आधा किलोमीटर आगे दीदारगंज आता है, और दो लेन आता है, एक राइट साइड जाने के लिए और एक लेफ्ट साइड जाने के लिए रोड आती है। तो आप लेफ्ट साइड वाले में यानी दीदारगंज वाले में घुस के हम सीधे आकर कुछ दूर और बाएँ साइड आप मुड़ सकते हैं, तो आपको ये पुल दिखेगा। तो वहाँ से जो ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये नहीं, आपको ये वाला ब्रिज दिखेगा, आपको आप इस पे चढ़ के मतलब इस पे गाड़ी से आ सकते हो यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे देखिए बोट पे क्या वार्निंग दिया जा रहा है, नो डाइविंग नो स्विमिंग, यानी ना आप इसमें छलांग मार सकते हो ना ही इसमें तैर सकते हो, वरना आप डूब जाओगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लोकेशन कैसा लगा, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और गाइस, मिलते हैं अगली की नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।